गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज है हैप्पी न्यू ईयर, तो हम बना रहे हैं यहाँ पे भंडारा न्यू ईयर के अपलोस में। क्या क्या बोलते हैं, खुशी में। तो गाइस न्यू ईयर चुपे अरे यार चुप, न्यू ईयर की खुशी में बना रहे हैं भंडारा, जो कि हमारी हेल्प करने आ रहा है चंदन और एक बंदा है जो कि हमेशा लेट होता है। कौन है वो, आप लोग गेस करो। अरे बता दिया। अरे चलो कोई ना, यहाँ पे देखो ये आलू काट रहा है। कट 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 कट, जल्दी काट जल्दी। जी मैम। ओके मैम। तो गाइस अभी मैं आलू धो रही हूँ और पालक भी धो रही है, इतने ठंडे में ठंडे पानी से धो रही है। मेरे हाथ तो देखो कितने लाल पड़ गए। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं, पकौड़ों की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारा चूल्हा भी लग गया है वहाँ पे। कैमरा मैन दिखा दीजिए चूल्हा हमारा, दिखा दिया हमसे, दिखाइए। क्या ब्लॉगर बनोगे तुम? बोल दे मुंह से चूल्हा लगाया है। दिखा दिया, मुंह से बोल रहा हूँ, चूल्हा लगाया है। तो आप लोगों को कैमरा मैन ने दिखा दिया हमारे। अब मेरा पसीना हाथ में नहीं, पानी पोछ लो। तो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग बना रहे हैं पत्थर को, इतना बड़ा लाके दो मेरे को। पत्थर क्या करना है, उसको इंच लगाना पड़ेगा भाई। अच्छा। सो गाइस आज हम बना रहे हैं यहाँ पे कड़ी चावल का लंगर, और सबसे पहले हमारे यहाँ पे बन रहे हैं पकोड़े, और उसके बाद बनेगा कड़ी चावल। मेरे को थोड़ा बेसन दी हुई इसमें डालने को, है बेसन ना। हाँ कड़ी जिसका मसाला बनता है कड़ी का भी। कढ़ाई में अपना मुँह मत डाल दियो, बस तेल तो निकल रहा है। यहाँ गुलाटी बैली डांसर की प्रमोशन कर रहा है, ये देखो एक नया गाना आ रहा है। ये हमारे हेल्पर आए हैं, वैसे शूट करने के लिए जाते हैं कैमरा लेके। आज बावर्ची बने हैं, बावर्ची। आगे भी टेस्टी अभी जुर्ली ला रहा हूँ, जुर्री सारी वगैरह अभी अंदर कुछ जो बड़ा वाला होता है ना उससे ऐसे कर। अरे ऐसे ऐसे कर, रुक मैं आते हैं। अरे तो मेरा व्लॉग बनना दो थोड़ा सा। बन रहा है। सो गाइस यहाँ पे हमारे कड़ी चावल बनके एकदम रेडी हो गए हैं, और पैकिंग करने के लिए हम सबने पूरी टीम बुला ली है। पहले सिर्फ रिचू और मैं थे, फिर चंदन भाई आया, फिर गुलाटी आया, फिर मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्त आए यहाँ पे देखो कर रहे हैं। और भाई ये जो सामने बैठे टोपी वाले, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है जिसपे 2 साल से वीडियो नहीं डली है, तो आप लोग बातें मारते हैं बस। डमरू क्लब के नाम से है, सब्सक्राइब कर लेना। इनका डमरू पूरा हो गया है, अब इनका घड़ा भरने वाला है। ये देखो गुलाटी सिखा रहा है, मतलब गाइज। तो मैं इसको अभी दिहाड़ी पे रखने वाला हूँ भाई। कड़ी देखो कितनी स्वाद बनी है गाइज, पानी आ रहा है ना, आ रहा है ना, आ रहा है ना, बस फिर। सो फाइनली गाइज अपना सब कुछ बन के रेडी हो गया है, बस यहाँ पे पैकिंग हो रही है, उसके बाद हम लोग जाएंगे ये सब बांटने के लिए। बाकी गाइज आज हम लेट हो गए हैं, अगली बार से हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट टाइम था, तो थोड़ा लेट हो गया सिस्टम सारा, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा। बाकी जो बच जाएगा ना, वो देखो इसकी शक्ल, ये ले जाएगा, ये साला लिफाफा पहले लाया है, ये ले जाएंगे भाई, ये ले जाएगा, ए शक्ल दिखाई दे, हाँ ये ले जाएगा चंदन भाई का बहुत बड़ा इसमें हाथ है, क्योंकि ये सारा सामान जितना भी लाया है चंदन भाई लाया है। आज के लंगर में सबसे बेस्ट बंदा चंदन है, और बाकी सारे समझ आओ क्या है। गाइज मैं भी बहुत अच्छा हूँ, रिचू भी अच्छी है। गाइज अभी हमने सामान रख दिया गाड़ी में, तो गाइज अभी हमने सारा लंगर पैक करके रख दिया डिक्की में, अभी हम जा रहे हैं लंगर बांटने के लिए, मैं और निखिल और बाकी जो हमारी बाकी टीम है। हमारे साथ पूरी जो टीम है वो चल रही है अब लंगर बांटने के लिए। और गाइज हमारा ये वीडियो दिखाने का ये मोटिव नहीं है कि शायद हम शोशा कर रहे हैं, शोशा कर रहे हैं या सिंपत्ति ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट लेकिन हम सिर्फ दो जनों ने मिलके इतना कुछ प्लान किया, और उस प्लान में इतने सारे लोग शामिल हो गए। हमने तो 20 लोगों का सोचा था, ओए भगवान, हमने पूरा 90 लोगों का खाना बना दिया। अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लंगर देना अपने गार्ड भैया से। हाँ, तो सबसे पहले गार्ड भैया से, फिर उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे।
थोड़ा सा लेट हो चुका है बट लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोई अगली बार से हम लोग जल्दी ट्राई करेंगे। चले जी हमारी शुरुआत हो गया जी। हाँ भी हम लोग इतने कराना लेके जाई फड़ा के जिधर के हा समझ गया। हम लोग इतने आलसी हैं, हम अपने आप से नूटे क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए हम। हाँ। तो इसलिए हमने सोचा चल इशू से स्टार्ट की जाए क्योंकि सबसे बड़ा ये है हमारे घर में, सबसे ज्यादा बुजुर्ग इशू है। दादू बनने वाला है गाइस। क्या क्या दादू बनने वाला है। चेम्बर हैप्पी न्यू ईयर। हाँ चलो जाओ। कड़ी चावल मिल गए ना, बैलून मांग रहा है यार, हद है। दो दो देखो, दो मोटे हाथी आगे जा रहे हैं, मोटा हाथी। बुलेटी भाई चम्मच दे दो, चम्मच दे दो, दे दिया दे, चम्मच दे दो, चम्मच कौन रहा, ये इनको दे दे, चम्मच भी दे दे। हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हो। हैप्पी न्यू ईयर। खा लो भैया। सो फाइनली गाइस हमारा एक मेंबर जा रहा है अपने घर, तो इसने अपना काम पूरा कर दिया। बाहर से गाड़ी में से निकाल के गुटूंगा। चल ठीक है ओके। बहुत सारे भाई बहुत हैं अभी तो, देखो बहुत हैं अभी तो सर, बहुत हैं बहुत है भाई। अरे दे दो इधर भी। गाइस यहाँ पे सब लोग चले गए हैं, अभी रीचू यहाँ पे खड़ी है और हमारा चंदन भाई ये भी जाने की तैयारी में है। देखो बैग वगैरह सारा इकट्ठा कर लिया और अभी ये ईशु यहाँ पे खड़ा हुआ है, हंस रहा है, दांत फाड़ रहा है। शर्म कर ले थोड़ा, तेरे पीछे कौन है, झूठ मत बोल। क्या रहा भाई, मत दिखाओ मार देंगे मुझे। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने सुबह इतनी मेहनत करी है और उसका फल हमें मिल गया है और अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा मत्था टेकने के लिए। तो चलते हैं हम लोग गुरुद्वारे और वहां पे जाके हम लोग टेकेंगे मत्था। सो फाइनली गाइस हम लोग मंदिर भी जाया है, गुरुद्वारे भी जाया है और अभी हम लोग घर पहुंचे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। क्यों रिचू, बहुत गए, वीडियो अलाउड नहीं थी तो इसलिए वीडियो नहीं बनाई, सॉरी। मतलब थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है और थोड़ी बहुत नहीं बनाई है बट लेकिन यस, हर जगह जाके सुकून मिल गया और हम लोगों ने आज लंगर लगाया उसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा सुकून सा मिल गया। और बाकी आप लोगों का थैंक्स गाइज और बस ऐसी दुआ रहेगी तो हम लोग हर साल ऐसे ही सब लोगों को अपनी तरफ से ऐसे भंडारा करते रहेंगे। मतलब छोटे छोटे फेस्टिवल में हर साल नहीं, जैसे महीने महीने, मतलब सिक्स मंथ बाद भी कर सके, इतना हो भाई हमारे पास आशीर्वाद हो जाए। और तो कुछ नहीं, बस आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो। और हमने लंगर बांटते हुए भी ज्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमें शोशा नहीं करना था, क्योंकि लोग भी घबराते हैं। हम लोग पब्लिसिटी के लिए नहीं लंगर वगैरह बांट रहे थे, वरना तो हम लोग बाहर से भी बनवा सकते थे, बाहर से बनवा के हम लोग फिर उसके बाद पैकिंग करा के फिर कर सकते थे बट लेकिन हम लोगों ने पूरी मेहनत करी है। बनाते बनाते नहीं वीडियो बनाई क्योंकि हमारा ध्यान नहीं था कि वीडियो में कि हमने वीडियो बनानी है। जितनी हमने बनाई है जैसे छोटे छोटे मोमेंट्स शेयर किए हुए हैं और बाकी गाइस हमने बस दिल से किया जो किया। और गाइस आपको एक सच्चाई बता दूं, हमने लंगर सोचा था 20 लोगों को और वो भी मैंने और निखिल ने, पर भगवान ने इतनी कृपा करी कि हमने 100 लोगों को खाना खिला दिया आज। हाँ गाइस, और आपका भी बहुत दिल से, बहुत तहे दिल से थैंक यू सो मच फॉर इतने अच्छे हमारे सब्सक्राइबर करवा दिए। और बस गाइस, बस इस साल का टारगेट है हमारा 1,00,000 कर दो और बस थोड़ा सा खाना स्टार्ट हो जाए। और क्या ही मांगू, और तो कुछ
सही नहीं। बस और आप लोग अगर अगले महीने मेरा बर्थडे आ रहा है, अगर आप लोग मुझे गिफ्ट सेंड करना चाहते हैं तो मैं एड्रेस देती हूँ यहाँ पे पेटीएम लगा हुआ है, उस पर आप सेंड कर सकते हो। चलो ठीक है गाइज, और हमारा इसी के साथ हम लोग आज का अपना दिन ये यहाँ पे खत्म करते हैं। और एक बहुत छोटा व्लॉग बना है गाइस, और हम लोगों ने कोई प्रैंक नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, क्योंकि हम लोग सीरियस होके काम कर रहे हैं। छोटा सा व्लॉग है, बस इसको एंजॉय करना आप लोग। और मतलब हम दोनों का और हमारी पूरी जो टीम थी उन सब का वर्क, और एक से दो से तीन से पांच। चलो बुराई करती हूँ मैं आज, आओ कैमरा लाओ मेरे साइड में, बुराई टाइम पे हो गई हूँ। सबसे ज्यादा मदद करी चंदन ने, तो चंदन थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू सो मच। और सबसे बड़े बड़े पकौड़े बनाए गुलाटी ने, और चलो उसने भी बहुत हेल्प कराई है, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और ईशु ने चाय बना दी एक, वो अपने घर गया और चाय बना के लेके आया, और एक कड़ी पत्ता दे दिया बस, और रोजी के लिए दही ले आया। और एक इशू के ऑफिस में सर जॉब करते हैं, उनका नाम कमल है, कमल सर, हम लोग भी उनको सर बोल देते हैं, और उन्होंने पूरी हेल्प करी, क्योंकि राइस ना मेरे को आते नहीं थे बनाना, मतलब आते थे बनाना पर इतना आइडिया नहीं था, उनकी वजह से राइस बने बहुत ज्यादा टेस्टी। और मतलब ना हम लोग सोच नहीं सकते थे कि हम कढ़ाई में बना लेंगे हमको, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा कढ़ाई में हम कैसे बनाएंगे, लेकिन वो आए, उन्होंने कढ़ाई में बनाया एकदम मस्त, बड़ी पतीले में बनाया, हम तो बनते ही नहीं रिचो। तो हमने कढ़ी तो मैंने बना दी थी, मतलब सबको अच्छी, सबने बनाई कढ़ी, सबने क्यों बनाई, मैं तो मेरा था, सबने बनाई गाइस, सब्जियां काटी, सब्जियां छीली काटी, सुबह लेने गए, उसके बाद बस यही सब कुछ। चलो ठीक है गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। फोन चार्ज पे लगाया, यहाँ से बटन तो ऑन कर दो। किस किस के साथ ऐसा होता है गाइस, अभी बोलेगी किस किस के साथ ऐसा होता है, कमेंट करके जरूर बताना। मैं सबके साथ होता है, भूल जाता है बंदा, पर तुम तो जानबूझ के करती हो गाइस, पर तुम तो गाइस अब एक सरप्राइज दिखाओ, हमारा लोजा बेटा हमारे पास आ गया गाइस। रोजी नो, हैप्पी न्यू ईयर बोलो, हैप्पी न्यू ईयर बोलो यहाँ पे। भाइयों बहनों मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।